ज्येष्ठ महीने के पहले बड़े मंगलवार के दिन करें गुड़ और चने का ये महा उपाय। जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। हनुमान जी की कृपा से जीवन में आपके होगी धन की वर्षा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 9 मई 2023 को ज्येष्ठ महीने का पहला महा मंगलवार पड़ने जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ये एक बड़ा मंगलवार होगा। बड़े मंगलवार को हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व दिया गया है और आप लोगों ने ये बात देखी भी होगी कि जगह जगह पर जितने भी हनुमान भक्त होते हैं वो बड़े मंगलवार के दिन भंडारा लगाते हैं और गरीबों को भरपेट खाना भी खिलाते हैं। आखिर ज्येष्ठ महीने का इतना ज्यादा महत्व क्यों है हमारे हिंदू धर्म में? तो आपको बता दे दोस्तों, ज्येष्ठ वही महीना है जिस महीने भगवान श्री राम जी से हनुमान जी मिले थे। कहा जाता है ये पूरे महीने हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में थे और अगर आप इस महीने के किसी भी मंगलवार को गुड़ और चने के वो उपाय कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए आपको साक्षात हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन का कोई भी कष्ट होगा वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस दौरान आप कोई भी पूजा पाठ उपाय करते हैं, आपको साक्षात हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार का दिन मंगल ग्रह को भी समर्पित होता है और जो मंगल ग्रह होता है दोस्तों, वो आपके परिवार में कलह, कष्ट और दुर्घटना की वजह बनता है और मंगल ग्रह के स्वामी है हनुमान जी महाराज। अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन कोई भी उपाय करेंगे तो आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। शायद ये बात आपको पता ना हो, कोई भी हनुमान भक्त जो हनुमान जी की पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्त के हर संकट को हर लेते हैं, इसलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको संकट का सामना ना करना पड़े, आपका मंगल ग्रह आपको हमेशा साथ दे, तो दोस्तों इस बड़े मंगलवार के दिन आप गुड़ और चने के उस महा उपाय को कर लीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, एक दिन की आपकी इस पूजा से आपको आपके मंगल ग्रह का उस प्रकार से साथ मिलेगा जिसके बाद आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हम में से कई लोग गुड़ को सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, इसका सेवन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी माना जाता है। गुड़ काफी लाभकारी गुड़ों से भरपूर होता है, लेकिन आपको शायद ये बात नहीं पता होगी, गुड़ ना केवल से स्वाद की दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। गुड़ ना केवल आपके जीवन में मिठास बनाने में मदद करता है, बल्कि गुड़ का उपयोग करके आप अपने भाग्य का भी साथ पा सकते हैं। लाल किताब के अनुसार तो यहाँ तक बताया गया है कि गुड़ का सेवन करने से जीवन की कई प्रकार की परेशानियाँ तो ऐसे ही खत्म हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप गुड़ का सही प्रकार से प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में चल रही नौकरी, व्यापार, धन, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। और अगर आपने बड़े मंगलवार के दिन गुड़ का उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको साक्षात बजरंग बली जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, गुड़ एक बड़ी साधारण सी चीज है और बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसका उपाय करना कैसे है ये हर किसी को पता नहीं होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बड़े मंगलवार के दिन कैसे सिर्फ एक दिन का उपाय करके साक्षात बजरंग बली जी का वरदान और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद आपको जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, और अगर आप सच्चे हनुमान भक्त हैं तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय हनुमान महाराज की, जय बजरंग बली जी की। और एक काम कीजिएगा दोस्तों, अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको करके आप लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए फिर सबसे पहला वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, गुड़ बहुत साधारण सी चीज है। गुड़ और चने के बारे में एक बात कही गई है कि गुड़ जो होता है वो आपके जीवन के कष्टों को दूर कर देता है, आपके जीवन के कष्टों को सोख लेता है और आपके जीवन में मिठास लाता है।
इसी प्रकार से जो चना होता है वो हनुमान जी को इतना प्रिय है कि चने का उपाय किया जाए तो मान के चलिए आपके जीवन में आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो चने के उपाय से पूरी हो जाएगी। इस वीडियो में जो उपाय हम बताने वाले हैं दोस्तों, वो इतना सरल सा उपाय है जिसको अगर आप सही मुहूर्त पर कर ले, सही तरीके से कर ले, तो मान के चलिए दोस्तों हनुमान जी की कृपा आपको मिलनी तय है। तो कौन कौन से उपाय हैं जो आपके जीवन को बदल के रख सकते हैं, आपके भाग्य में चमक ला सकते हैं, चलिए एक एक करके सारे उपायों के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहला उपाय है मंगल ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। यदि आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, जीवन में आपका दुर्भाग्य आपका पीछे पड़ा हुआ है, जीवन में पैसा आना बंद हो गया है, रोज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आप ये देखते हैं कि आप जीवन में जो भी कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य को करने से पहले ही बहुत सारी दुविधाएं आ जाती हैं, बहुत सारे संकट आ जाते हैं, तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? दोस्तों आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर है। आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है कि हनुमान जी महाराज आपसे रुष्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका मंगल ग्रह बड़ा ही कमजोर हो गया है। तो आपको एक उपाय हम बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने के बाद आपका मंगल ग्रह बहुत ही मजबूत रहेगा। आपको क्या करना है, 500 ग्राम गुड़, 500 ग्राम गेहूं, इन दोनों को लेना है, किसी भी हनुमान मंदिर में दान कर देना है। बस इतना अगर आपने बड़े मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपके मंगल ग्रह का वो आपको साथ मिलेगा कि आपके जीवन में आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। प्राचीन काल के समय से एक ऐसा उपाय चला आ रहा है जिसको करने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। 500 ग्राम गुड़ ले लीजिए और 1 रुपए का सिक्का लीजिए, किसी भी लाल पोटली में उसको बांध लीजिए और उसको ले जा करके किसी भी हनुमान मंदिर में दान कर दीजिए। अगर ये उपाय आपने इस बड़े मंगलवार के दिन कर लिया तो कैसी भी आपकी मनोकामनाएं हनुमान जी की कृपा से पूरी हो जाएंगी। तीसरा उपाय है घर में लड़ाई झगड़े से बचने का महा उपाय। दोस्तों अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप बड़े ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत हो, हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो दोस्तों ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों आधा किलो गुड़ और 200 ग्राम चना लेकर हनुमान मंदिर में दान कर दीजिए। इतना अगर आपने ये उपाय कर दिया तो आपके घर की बरकत तो होगी ही होगी, आपके घर पर जो लड़ाई झगड़े ग्रह क्लेश होते रहते थे वो खत्म हो जाएंगे, हनुमान जी की कृपा भी आपके घर को मिलेगी, आपके घर की बरकत भी होगी और उन्नति भी होगी। चौथा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, तो ये महा उपाय करें जो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए 9 मई 2023 को बड़ा मंगलवार पड़ रहा है, अपने घर पर 11 रोटी बनवाइए। 11 रोटी बनवाने के बाद उस पर थोड़ी थोड़ी गुड़ की भेली रख दीजिए। किसी भी लाल गाय को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ना सफेद गाय ना काली गाय, इस 11 रोटी को जो आप गुड़ की भेली रखी है वो लाल गाय को खिला दीजिएगा। इतना करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लग जाएगी। हनुमान जी की कृपा से आपके ऊपर जो भी बाधाएं आ रही थी, जिन बाधाओं की वजह से आपकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, वो बाधाएं खत्म हो जाएंगी और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ गई है तो दोस्तों आप एक उपाय कीजिए। जी हाँ, जो हम आपको बताने जा रहे हैं अवश्य ही आपकी फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। देखिए अगर आप देख रहे हैं तो आपके जीवन में पैसा तो आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, और जो पैसा वो पैसा फालतू में उड़ा जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपका पैसा रुक जाए। दोस्तों आप लोगों को लेना है 7 गुड़ की भेली, छोटी छोटी बड़ी बड़ी जैसी आप लोग ले पाए, कम से कम आधा किलो चना लेना है, 7 गुड़ की भेली ले लीजिए, आधा किलो चना लीजिए। अब आपको हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान मंदिर में जाने के बाद सिर्फ आपको एक गुड़ की भेली का भोग लगाना है हनुमान जी को, और बाकी सबका दान कर देना है मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को। अगर आपने इतना कर दिया तो आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में पैसा भी आना शुरू हो जाएगा, और जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी टिकेगा भी, और उसमें बहुत ही ज्यादा वृद्धि भी होगी। दोस्तों ये महा उपाय है जो आज का नहीं प्राचीन काल के समय का उपाय है, और इसको करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।
अब मान लीजिए किसी संपत्ति को खरीदना चाहते थे, लेकिन किसी परेशानी के चलते उस संपत्ति को आप नहीं खरीद पा रहे थे, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, एक बहुत ही आसान सा उपाय है। आप लोगों को कम से कम 1 किलो गुड़ लेना है। बहुत ध्यान से सुनिए, 1 किलो गुड़ खरीद लीजिए, एक लाल ध्वजा ले लीजिए। लाल ध्वजा पर लिखा होना चाहिए जय श्री राम। ये दोनों ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में दान कर दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो अवश्य ही जो संपत्ति आप लेने के लिए परेशान थे, जिस संपत्ति को लेने के लिए आप लाख प्रयास कर चुके थे लेकिन किसी कारणवश आप नहीं खरीद पा रहे थे, इतना उपाय अगर आपने सही तरीके से कर लिया मंगलवार के दिन, तो वो संपत्ति आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली भी जरूर लिखिएगा।